Hello everyone, today we will revise exercise 21A class 6 RS Agrawal math. आज के वीडियो में हम RS Agrawal math की बुक की exercise 21A का revision करेंगे. टॉपिक आपका है concept of perimeter and area. इस क्वेश्चन में 11 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, सॉरी है ना. तो सारे क्वेश्चन तो मैं करूँगा रिवाइज है, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने वाला हूँ, रिवाइज करने वाला हूँ. लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. हो सकता है मैंने क्वेश्चन 6 करे आपको 5 की जरूरत हो जो मैंने ना कराओ. तो ये पूरी बुक कंप्लीट हो चुकी है. तो मैंने नीचे डिस्कशन बॉक्स में उन सभी चैप्टर 1 से लेकर लास्ट तक के सभी चैप्टर का सभी एक्सरसाइज का एक ही क्वेश्चन का लिंक नीचे है. अगर आपको किसी और क्वेश्चन में डाउट है जो रिविजन में नहीं हो रहा है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन ऑफ एक्सरसाइज 21E. तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूँ. फर्स्ट सीधा सीधा फॉर्मूला बेस पर है, 2L+V, इसलिए छोड़ दिया रिवीजन के लिए. मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लेता है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 62 मीटर लॉन्ग एंड 33 मीटर वाइड. एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ 62 मीटर है और कॉस्ट दे रखी है, सॉरी कह रहा हूँ, विड्थ दे रखी है इसकी 33 मीटर. हमें कॉस्ट निकालनी है फेंसिंग की, और किस रेट से निकालनी है, एट 16 रुपीज़ पर मीटर. यानी कि 1 मीटर फेंसिंग की कॉस्ट 16 मीटर आ रही है. फेंसिंग क्या होती है, बाउंड्री, चारों तरफ की बाउंड्री, तार लगाना, बाड़ लगाना है ना. तो फेंसिंग की लेंथ क्या होगी, वो होगी रेक्टेंगुलर फील्ड के पेरीमीटर की राह, और जो क्या था 2L+V. तो फर्स्ट क्या करेंगे हम, सबसे पहले रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर निकालेंगे. जो भी पेरीमीटर निकल के आ जाएगा उसमें हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस्ट निकलेगी. क्यों, क्योंकि 1 मीटर की कॉस्ट 16 मीटर. सपोज करो पेरीमीटर, सपोज करो मान लिया 64 आ गया, तो 1 मीटर की 16 है तो 64 की क्या होगी, 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके चलिए करते हैं 2. तो यहाँ पर हमें लेंथ दे रखी है, लेंथ ऑफ फील्ड या रेक्टेंगुलर फील्ड एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमें गिवन है 62 मीटर, और विड्थ या ब्रेथ एक ही चीज होती है. विड्थ ऑफ फील्ड यानी कि बी, और ये हमें गिवन है 33 मीटर. तो सबसे पहले हमें पेरीमीटर निकालना है. तो पेरीमीटर आर होता है PERIME. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड फॉर्मूला क्या है, ट्वाइस L+V. तो ट्वाइस लेंथ हमें 62 और ब्रेथ 33. देखिए कितना आ गया, ट्वाइस इंटू 325 और 639, 25 या 10, तो 190 मीटर आ गया इसका पेरीमीटर. पेरीमीटर रेक्टेंगुलर फील्ड इज 190 मीटर. अब हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी है. फेंस क्या होता है, चारों तरफ बाड़ लगाना है ना, गांव के स्टूडेंट जानते हैं, बाड़ लगाना, तार लगाना, जिसे बोलते हैं फेंसिंग कहलाती है इंग्लिश में. तो इसकी 1 मीटर की कॉस्ट हमें दे रखी थी 16 रुपीज़, तो 190 मीटर क्या हुआ, 16 से इसमें मल्टीपल कर दें, ठीक है ना. तो वही हम करने वाले हैं. अब तो लिखेंगे यहाँ पर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग और कितनी दे रखी थी, मैंने बोला था कहाँ है क्वेश्चन नंबर 2, 16 रुपीज़ पर मीटर. तो 16 से हमें इसमें केवल मल्टीपल कर देना है. कितने रुपीज़ होगी, 16 रुपीज़ 1 मीटर खर्चा आ रहा है, तो 190 मीटर कितने रुपीज़ आएगा, इसका हमें मल्टीपल कर देना है 16 से. 16 की टेबल तो मुझे उम्मीद है सबको याद होगी, 0 तो 0 रहेगा, 69 जो 144 होते हैं, कितना अच्छा 14, 16 बन जाए 16 और 14 30. तो ये आंसर हो गया आपका. तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग विल बी 3040 रुपीज़. ओके चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 भी रिवाइज करा देते हैं क्योंकि इसमें रेशियो में गिवन है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 5:3. इफ इट्स पेरीमीटर इज 128 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फील्ड. यानी कि हम उसकी लेंथ और विड्थ दोनों फाइंड करनी है. कैसे होगा बताते हैं. तो यहाँ रेशियो हमें गिवन है, रेशो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ, और ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 5:3. तो लेंथ इज टू ब्रेथ का एल इज टू बी से रिप्रेजेंट करते हैं 5:3. ये क्वेश्चन दो तरीके से होता है ना. एक मैंने लिंक नीचे दे दिया है सभी वीडियो का, तो उसमें आप देख सकते हैं. तो इसको मैं दूसरे तरीके से करता हूँ, है ना. देखो पेरीमीटर क्या होता है,
सम ऑफ ऑल साइड्स, या अगर रेक्टेंगल की फॉर्मूले की बात करें तो ट्वाइस एल प्लस बी। जब कभी भी रेशियो में गिवन होता है तो हम पहले एज्यूम कर लेते हैं कि लेंथ इसकी 5 और विथ है 3, लेकिन इसके साथ एक वेरिएबल कि 5x या 3x, और मीटर सेंटीमीटर ये डिपेंड करता है हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर मीटर में दे रखा है तो मीटर मानेंगे। तो क्या करेंगे हम, ये लिखेंगे लेट एल इज इक्वल टू जो न्यूमेरिकल वैल्यू में रेशियो में वो और एक वेरिएबल 5x मीटर एंड विथ इक्वल टू 3x मीटर। क्लियर? अब सीधे सीधे लगा दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार हमें ये दे रखा है पेरीमीटर यानी कि ट्वाइस एल प्लस वी की वैल्यू दे रखी है, वो हमें दे रखी है 128 मीटर। तो ट्वाइस लेंथ कितनी है 5x, विथ कितनी है 3x इज इक्वल 128, 2 से डिवाइड कर दे, 5x प्लस 3x कितना हो गया 8x, और ये 2 नीचे आ गया, 2 से कैंसिल, 2 6 जा 2 4 जा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 64 तो ये, और 8 अपॉन में आएगा 8 बन जा 8 जा 64। तो इससे क्या हुआ, x की वैल्यू निकलाई, ये केवल x निकल गई, लेंथ ब्रेथ नहीं आई। लेंथ क्या है, ये रहा, हमने लेंथ मानी थी 5x, 5x का मतलब 5 इंटू x, और x एल पुट कर दो 8 तो आंसर आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ फील्ड क्या था, फील्ड है क्या है? एक मिनट, हाँ, तो लेंथ ऑफ फील्ड 5x यानी कि 5 इंटू 8 तो ये हो गई 40 मीटर, और विथ या ब्रेथ एक ही चीज होती है, हम कई बार बता चुके हैं। तो विथ ऑफ फील्ड वो है 3x, तो 3 इंटू 8 24 मीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का भी रिवाइज हुआ, रिवीजन हो गया। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट मैं आपको रिवाइज कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का, क्योंकि ये भी थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड एट रुपीज 18 पर मीटर इज 1980 रुपीज। यहाँ पर इसमें रेट भी रखा है और टोटल कॉस्ट भी देखी फेंसिंग, इसमें खाली रेट दिया था, फेंसिंग कॉस्ट निकलवाई थी। और फिर क्या है, इफ द विथ ऑफ द फील्ड इज 23 मीटर तो फाइंड इट्स लेंथ, हमें उस रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ फाइंड करनी है जिसकी विथ दे रखी है। और क्या दे रखा है, फेंसिंग 80 रुपीज पर मीटर के हिसाब से टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दे रखी है मैं 1980 रुपीज। थोड़ा अलग है इसलिए मैं इसको रिवीजन करा देता हूँ, कराते हैं, चलिए करते हैं। तो यहाँ पर रेट लिख लो, रेट ऑफ फेंसिंग यानी कि किस हिसाब से ये चार्ज कर रहा है फेंस करने की, वो देखा है 18 रुपीज पर मीटर। तो रेट ऑफ फेंसिंग ₹18 पर मीटर, पर मीटर को ऐसे या ऑब्ली अपॉन एम भी लिख सकते हो। टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग या कॉस्ट भी लिख सकते हो आप, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ये भी हमें दे रखी है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, थोड़ी राइटिंग खराब है मेरी है ना, मुझे भी लगता है बहुत खराब है, 1980 रुपीज। अब हमें उस रेक्टेंगुलर फील्ड की विथ दे रखी है, विथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड और ये है क्वेश्चन नंबर 4 कहाँ चला गया, इफ द विथ ऑफ फील्ड इज 23 मीटर, लेंथ निकालनी है। देखो अगर हमें रेक्टेंगुलर का एरिया मालूम हो, विथ दे रखी है तो लेंथ निकाल सकते हैं, या पेरीमीटर मालूम हो, विथ दे रखी है तो लेंथ निकाल सकते हैं, या फेंसिंग की बात चल रही, फेंसिंग क्या होता है चारों तरफ की बाउंड्री की लेंथ है ना, यानी कि पेरीमीटर। तो यहाँ पेरीमीटर किसी तरीके से पता चल जाए तो फॉर्मूला लगाएंगे 2l प्लस भी विथ दे रखी है, एल निकलेगा। अब पेरीमीटर कैसे आएगा, देखो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या दे रखी है 18 रुपीज पर मीटर। थोड़ा ध्यान से सुनना, मान लो कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है, समझाने के बता रहा हूँ, मान लो इसकी पेरीमीटर है 2 मीटर है, सपोज करो 2 मीटर है टोटल पेरीमीटर, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या आएगी, 1 मीटर की कॉस्ट हमें 18 रुपीज देने पड़ रही है, तो 2 मीटर की 18 प्लस 18 है 36 रुपीज देने पड़ेगी, है ना। अब उसको भूल जाओ फेंसिंग पेरीमीटर को, अब दोबारा देखो, हमने देखा रेट दे रखा है 18 रुपीज पर मीटर के हिसाब से हमने एक रेक्टेंगुलर फील्ड की फेंसिंग कराई और टोटल कॉस्ट आई 36 मीटर। पेरीमीटर कितना होगा, हमने रिवर्स कर दिया 2 होगा। कैसे निकालेंगे, जो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग होती है उसमें रेट, रेट से मतलब ये ध्यान रखना पर मीटर, किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है रुपया दे देता है पर 100 मीटर या पर 25 मीटर, ये ध्यान रखना, लेकिन पर मीटर होनी चाहिए। अगर हमें रेट पर मीटर दे रखी है तो टोटल कॉस्ट में अगर पर मीटर की रेट से डिवाइड कर दें तो वो पेरीमीटर निकलाता है। बात समझ में आ गई, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा,
perimeter of rectangle, total cost of fencing ये और रेट दे रखी हमें 18, 9 से ये कैंसिल होगा, 9 टू जा 18, 9 टू जा 18, 9 टू जा 18, 0, 2 से ये कैंसिल, 110, तो हमें ये पेरीमीटर मालूम पड़ गया, किसका, रेक्टेंगुलर फील्ड का। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था, ट्वाइस एल प्लस विथ, विथ हमें दे रखी है कितनी 23, और ये बराबर किसके है 110, 2 नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिसिटी से बोलते हैं, तो ये हो गया 110 अपॉन 2, 2 5 10, 2 5 10, तो L इज इक्वल, ओके, तो लेंथ कितनी हो गई, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करा 2, और 5 में से 2 गया 3, 32 मीटर, तो ये पूछा था, ये निकला है। तो लेंथ ऑफ फील्ड 32 मीटर, ओके, चलिए लेते हैं नेक्स्ट। अब मैं आपको रिवाइज कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, हालांकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, हम जानते हैं सीधा 4 इंटू सेड होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम इसमें भी नहीं है, लेकिन मीटर डेसीमीटर में देखा है इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। इसको मैं आपको रिवाइज कराता हूँ कि डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ओके। तो यहाँ पर साइड्स दे रखी है, लिख लेते हैं, साइड ऑफ स्क्वायर, इसको मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये हमें गिवन है 2 meter 5 decimeter, तो इसका मतलब 2 मीटर तो ये प्लस 5 डेसीमीटर, डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम 10 से डिवाइड करते हैं, 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर होते हैं, या इसका रिवर्स, 1 डेसीमीटर इक्वल टू 1/10 मीटर, तो ये कितना हो गया 2 + 0.5, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि 2.5 मीटर आ गया, बस अब तो निकला है, पेरीमीटर पूछा है तो 4 से हमें मल्टीपल करना है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड 100 होता और एक के पास, तो यानी कि 10 मीटर आ गया, सीधे सीधा मल्टीपल करा, वन प्लेस किया डेसिमल, डेसिमल 0 लिखो ना लिखो तो आंसर हो गया इसका, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 10 मीटर, हालांकि इजी था लेकिन मैंने डेसीमीटर मीटर दोनों देखा इसलिए इसको मैंने सेलेक्ट करके आपको रिवाइज करा दिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा कराते हैं आपको, तो क्वेश्चन 8 है, ईच साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड मेजर 21 मीटर, हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड है उसकी साइड देखिए 21 मीटर, ईच लिखा हो ना लिखा हो ये तो अंडरस्टूड है, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं ना, एडजेसेंट टू दिस फील्ड यानी कि इस फील्ड से लगा हुआ हमारे पास क्या है, देयर इज ए रेक्टेंगुलर फील्ड, एक रेक्टेंगुलर फील्ड और है, हैविंग इट्स साइड्स इन द रेशो 4:3, इसकी साइड्स का रेशो 4:3 रखा है, यानी कि लेंथ और ब्रेथ का रेशो 4:3 रखा है, इफ द पेरीमीटर ऑफ बोथ द फील्ड आर इक्वल, जो दोनों फील्ड हैं स्क्वायर फील्ड और दूसरा रेक्टेंगुलर फील्ड, उनका पेरीमीटर आपस में इक्वल देखा है, तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, तो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसके में डायमेंशन यानी कि लेंथ और ब्रेथ निकालती है, ये कोई जरूरी नहीं कि लेंथ इनटू विड्थ हो, विड्थ इनटू लेंथ हो सकता है, बस इसमें लिखा हुआ है ना देयर इज ए रेक्टेंगुलर फील्ड हैविंग साइड्स इन द रेशो, वो आप कुछ भी लिख ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एल टू बी लिख लो या बी टू एल या सी सीधा लिख सकते हो, रेशो बिटवीन द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, तो फर्स्ट साइड सेकंड साइड ऐसे लिख सकते हो, लेकिन मैं एल बी लेके चल दूंगा, हम दिमाग में मान के चल रहे हैं कि लेंथ बड़ी होती है विड्थ छोटी, ऐसा होता नहीं है ना, कुछ भी हो सकती है, तो मैं इसको एल टू बी मान के चलता हूँ, ठीक है, या आप कुछ भी लिख सकते हैं कोई फर्क नहीं। तो क्वेश्चन में हमें साइड्स देखिए स्क्वायर फील्ड की, लिख लेते हैं, साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड और ये 21 मीटर, तो पेरीमीटर क्या होगा इसका, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड 4 × 21, तो ये 84 मीटर आ गया। अब क्या है? इसके बराबर में एक हमें रेक्टेंगुलर फील्ड दे रखा है, उसकी डायमेंशन का रेशो दे रखा है, तो हमने मान लिया वो लेंथ ऑफ विड्थ का दे रखा है, अब रेशो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ है ना, मैंने ऐसे लिख लिया है, आप केवल रेशो बिटवीन साइड्स लिख लेना, क्योंकि लेंथ एंड ब्रेथ या ब्रेथ इनटू लेंथ भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और वो हमें दे रखा है, जब लेंथ ब्रेथ आ गया तो साइड से आते हो रेक्टेंगल की फील्ड होगा है ना, मैंने शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, और वो हमें कितना था भूल भी गए इतनी जल्दी, 4:3 है, यानी कि क्या दे रखा है एल इज टू बी 4:3, अभी ऊपर एक सवाल बताया था मैंने, जब एल और बी का रेशो यानी रेशो दे रखा हो तो हम एज्यूम करते हैं 4 और 3 साथ में एक वेरिएबल लगा देंगे, और मीटर सेंटीमीटर डिपेंड करता है किस में दे रखा है, मीटर में, तो मीटर मानेंगे, तो हमने मान लिया लेट एल इक्वल टू
4x meter and width equal to 3x meter. So according to question, perimeter of rectangular field बराबर किसके दे रखा है, स्क्वायर फील्ड के. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, ठीक है ना, गिवन है. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड का ट्वाइस एल प्लस बी, लेंथ आपको दिख रही है ऊपर कितनी है ये 4x प्लस विथ कितनी है 3x, और स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर हमने भी निकाला था, ये रहा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड 84 मीटर, तो इक्वल 84. 4x प्लस 3x कितना हो गया 7x, 2 ये आ जाएगा अपॉन में 2 से ये कैंसिल होगा, 2 4 जा 2 2 जा, तो x की वैल्यू कितनी होगी काट देना रख, चलिए नहीं एक स्टेप बढ़ा देना क्या दिक्कत है, 7 6 जा, तो ये वैल्यू ऑफ x निकलाई. हमें रेक्टेंगुलर फील्ड की डायमेंशन फाइंड करनी, यानी कि लेंथ और ब्रेथ. लेंथ कितनी मानी हमने 4x, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, लेंथ ऑफ इक्वल टू 4 इंटू एक्स की वैल्यू 6 आई, तो कितनी हो गई 24. अब विथ क्या हो जाएगी, विथ या ब्रेथ एक ही चीज होती है. विथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड वो है 3x, दिखा देता हूं आपको एक बार और, 4 इंटू 3 का था ना 4x और विथ 3x, तो 3 इंटू एक्स यानी कि 3 इंटू 6, तो ये आ गया 18 मीटर. तो ये सवाल कंप्लीट हुआ. ओके चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कौन सा कराते हैं आपको. क्वेश्चन नंबर 9 का मैं थर्ड पार्ट कराता हूँ, फाइंड द पेरीमीटर और ये ट्राइंगल देखें. ट्राइंगल आपको पता है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, तीनों साइड्स का सम, तो इन तीनों को प्लस कर दोगे हो जाएगा. इक्विलेटरल ट्राइंगल को 3 इनटू साइड्स 3 का मल्टीपल कर दोगे हो जाएगा. ये मुझे लग रहा थोड़ा लगा, तो इसको करा देता हूँ. एन आइसोलेटेड ट्राइंगल विद इक्वल साइड्स 8.5 सेंटीमीटर ईच एंड थर्ड साइड इज 7 सेंटीमीटर. तो पेरीमीटर क्या होता है ट्राइंगल का, तीनों साइड्स का सम. आइसोलेसिस का क्या होगा, इक्वल साइड्स जो हैं वो दो बार आती हैं, तो 8.5 प्लस 8.5 प्लस 7, बस इतना ही करना है. चलिए लिख देते फटाफट. तो ये फिगर बना दिया, कोई नीड नहीं है बिल्कुल भी, कोई जरूरत नहीं बनाने की, मैं आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ. आइसोलेसिस ट्राइंगल दो साइड इक्वल होती हैं, है ना, और जो इक्वल साइड्स है वो दे रखिए 8.5 सेंटीमीटर, तो ये भी 8.5 होगी ये दोनों साइड मान ली, और ये अनइक्वल और ये दे रखिए 7 सेंटीमीटर. तो समझ में आ गया पेरीमीटर क्या होगा, तीनों को ऐड कर दो बस. तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ लिख लेना आइसोलेशन और लिख लेना ट्राइंगल क्या होगा, तीनों साइड को ऐड कर दो, 8.5 प्लस 8.5 प्लस 7.5, 8.5 17 हो गया और 7.24, तो आंसर आ गया 24.5 मीटर. क्लियर, ये 7.5 नहीं है केवल 7 है ना, मैंने भी देखा 7 ही तो लिखा है, तो 7 लिखना है, तो 0.5 बढ़ा दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, ओनली 24 सेंटीमीटर. ओके अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11. देखिए क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको ऐसे ओर लेता हूँ, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन. पेंटागन में जिसमें 5 साइड होती हैं, तो 5 इंटू 8 हो जाएगा. ऑक्टागन में 8 साइड होती है, तो 8 इंटू 4.5 हो जाएगा. डेकागन में 10 साइड होती है, 10 इंटू 3.6 हो जाएगा, तो ये पेरीमीटर निकल आएगा, है ना. और आप चिंता ना करें, मैंने सभी क्वेश्चन का लिंक नीचे दिया हुआ है, अगर आपको कोई क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिया है रिवीजन में उसमें कोई डाउट हो तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं. इसी से नहीं है, मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज 1 ए का फर्स्ट क्वेश्चन 1 से लेके पूरी बुक ये कंप्लीट हो चुकी है, उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में दे दिया. अब क्वेश्चन नंबर 11 में ये फिगर दे रखी है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर. ये तो सिंपल है, चारों को ऐड कर दोगे, इसमें भी चारों को ऐड कर दोगे आ जाएगा. तो मैं ये सेलेक्ट करा है, मैं इसका रिवीजन कराता हूँ थर्ड पार्ट का. ओके तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ये 11 का थर्ड पार्ट मैंने डायग्राम बना दिया है, सिंपल है लेकिन एक पार्ट में कर देता हूँ. तो पेरीमीटर ऑफ फिगर कैसे करोगे, कहीं से भी स्टार्ट कर दो, मान लो यहां से स्टार्ट करो, मैंने पॉइंट लगा दिया भूलना है. तो ये कितनी है 16 प्लस यानी साइड्स 4 प्लस 12, ये सब सेंटीमीटर लिखा हुआ शॉर्ट में, ज्यादा शॉर्ट में लिख दिया 12 प्लस 3 यानी साइड आ गई 12, अब ये 4 प्लस 16 प्लस 8 लौट के यहीं आ गई, तो यानी कि सारी साइड्स हो गई.
इस तरह के जो सवाल हुआ करें ना, एक काम आप जरूर करना, इन्हें काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी काउंट कर लो, 7 साइड से देखें, 1 2 3 4 5 6 7 7 है, जिससे अगर कोई मिसिंग हो जाएगी तो आप नोट कर सकते हो, पता चल जाएगा, पकड़ में आ जाएगा, कहीं छोड़ तो नहीं गया कुछ। ये तो छोटी मोटी फिगर है, बहुत सी फिगर आती है जिसमें हम कभी कभी स्टूडेंट देखते हैं एक दो साइड्स भूल ही जाते हैं, तो एक तरीका होता है ना, ये आप पॉइंट लगा दो जहाँ से स्टार्ट कर दो, फिर ये डार्क करते जाओ, या आपकी मर्जी है पेपर पर, तो यानी कि क्लियर रहेगी, हम लिख चुके, और बाद में काउंट कर लो। चलिए ऐड करते हैं, 16, 4, 20, 32, 12, 44, 48, 48, 48, 64, 8, 72। तो ये आ गया 72 सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ फिगर हो गई आपकी क्वेश्चन की, जो फिगर की जो दे रखी है, कितना पेरीमीटर हुआ, 72 सेंटीमीटर। ओके, तो ये एक्सरसाइज आपकी पूरी कंप्लीट हो गई, मेरी रिवीजन हो गया, मुझे उम्मीद है आपको आज से सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जो मैंने क्वेश्चन छोड़ दिए, हो सकता है आपका किसी कोर्स में डाउट हो, तो आप चिंता ना करें, उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है वो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, चैप्टर 1 से लेके लास्ट चैप्टर 22 तक के सभी वीडियो का लिंक मैंने आपको दे दिया। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।